अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जेरंड के बारे में कि जेरंड क्या होता है। सबसे पहले मैं इसकी हेडिंग लिख लूँ कि जेरंड अच्छा, इसको इस तरह से हम डिस्कस कर लेते हैं कि किसी भी वर्ब के लास्ट में, जैसे वर्ब कौन सी होती है, जैसे रीड पढ़ना, ये एक वर्ब है। अगर मैं इस वर्ब के लास्ट में आईएनजी का इजाफ़ा कर दूं, लेकिन ये मैं आईएनजी का इजाफ़ा करूंगा क्यों, ये वर्ब नहीं ठीक। मैं आईएनजी का इजाफ़ा इस वजह से करूंगा कि मैंने ये जो एक्शन वर्ड है, ये जो बज़ाहर वर्ब दिखाई देने वाला जो है रीड, इसका मतलब होता है पढ़ना, इसको मैंने नाउन बनाना है। यानी कि फ़िलहाल तो बज़ाहर तो हमें ये वर्ब नज़र आ रहा है, लेकिन अगर हमने इसको नाउन बनाना हो तो हम इसके आखिर में, लास्ट में आई एन जी का इजाफ़ा करती हैं, तो ये जो वर्ब होती है ये जेरंड बन जाती है। यानी कि दोबारा से रिपीट कर लेते हैं कि जेरंड जो होता है किसी भी वर्ब के लास्ट में आई एन जी का इजाफ़ा करने से जेरंड बन जाता है। वर्ब के लास्ट में आई एन जी का इजाफा करें तो वो वर्ब जो होता है जेरंड बन जाता है। अच्छा, ये जेरंड बनाते क्यों हैं हम, इसकी ज़रूरत कहाँ पे आती है, तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि किसी भी सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो दो तरह का होता है। सब्जेक्ट जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है नाउन और एक होता है प्रोनाउन। नाउन की मिसाल मैं दे देता हूँ कि अकरम मेरा अच्छा दोस्त है, अकरम इज माय बेस्ट फ्रेंड, अकरम मेरा अच्छा दोस्त है। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम देखते हैं कि अकरम क्या है, अकरम इसके अंदर नाउन है, ठीक है। इसी तरह नाउन कॉमन भी हो सकता है, प्रॉपर भी हो सकता है, लेकिन हो नाउन, ये नाउन है। दूसरे सेंटेंस के अंदर हम मिसाल ले लेते हैं प्रोनाउन की। जैसे अगर मैं कहूँ कि वो मेरा छोटा भाई है, तो इसमें मैं कह देता हूँ कि ही इज़ माई लिटल ब्रदर, वो मेरा छोटा भाई है। तो इसके अंदर हम सब्जेक्ट जो है वो है प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ। ऊपर वाले सेंटेंस के अंदर अकरम इस्तेमाल हुआ जो कि नाउन था, और नीचे वाले सेंटेंस के अंदर ही इस्तेमाल हुआ जो कि प्रोनाउन है। इससे हमें पता चला कि किसी भी सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है वो दो तरह से इस्तेमाल हो सकता है, या तो वो नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है या फिर प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन ये जेरंड बनाने का कॉन्सेप्ट क्यों, ये इसकी ज़रूरत कहाँ पर पड़ जाती है हमें, ये जेरंड हम क्यों बनाते हैं। अगर हम एक मिसाल लें कि तंबाकू नोशी जो है वो सेहत के लिए नुकसानदेह है, अक्सर आपने लिखा देखा होगा अक्सर जगह पे कि तंबाकू नोशी, स्मोकिंग स्मोकिंग इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, तंबाकू नोशी सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो इसके अंदर जो हमें शुरू के अंदर जो सब्जेक्ट नज़र आ रहा है, ये सब्जेक्ट जो है ये बज़ाहर तो हमें वर्ब नज़र आती है, लेकिन हमने पहले ये वर्ब ही थी स्मोक, ठीक है, लेकिन हमने इसके लास्ट के अंदर आईएनजी का इजाफा करके इसे जेरंड बना दिया है। और जेरंड जो होता है वो नाउन के तौर पर इस्तेमाल हम कर सकते हैं। यानी कि पहले जो वर्ब थी, बज़ाहर दिखाई देने वाली वर्ब थी, उसके लास्ट में हमने आईएनजी का इजाफा करके उसको जेरंड बना दिया, और जेरंड जो होता है वो बिल्कुल नाउन के तौर पर ही होता है, तो यानी कि नाउन के तौर पर ही काम करता है। तो हमें पता चला कि वर्ब को, वर्ब के लास्ट में आईएनजी का इजाफा करने से उसको जेरंड बना दिया जाता है, और जेरंड जो होता है वो
सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो जाता है एज ए नाउन, नाउन के तौर पर सब्जेक्ट उसको लिखा जा सकता है। तो इसमें अब जो है ये जेरंड है स्मोकिंग, आईएनजी लग गया तो ये जेरंड बन गया स्मोकिंग। इसी तरह अगर मैं लिखूं कि पढ़ना मेरा बेहतरीन मशगला है, या पढ़ना मेरा मशगला है रीडिंग, पहले मैं रीड लिखता हूँ, रीडिंग, रीड इज़ माय हॉबी। तो ये बज़ाहर तो वर्ब नज़र आती है रीड, तो हम क्या करेंगे कि इस रीड के लास्ट में आईएनजी का इजाफा करेंगे, इसे जेरंड बना देंगे, और जेरंड जो होता है वो नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है, यानी कि जिस तरह सब्जेक्ट के अंदर नाउन या प्रोनाउन ही इस्तेमाल हो सकते हैं सब्जेक्ट के तौर पर, तो फिर जब जेरंड बन गया तो फिर ये नाउन बन गया, तो जब नाउन बन गया तो ये सब्जेक्ट के तौर पर लिखा जा सकता है। इसी तरह ये इसके अंदर अब रीडिंग जो है वो है जेरंड। इसी तरह अगर मैं एक और मिसाल लूँ तो हम एक और सेंटेंस लिख लेते हैं कि प्लेइंग फुटबॉल इज़ गुड फॉर हेल्थ। फुटबॉल खेलना सेहत के लिए बहुत अच्छा है, तो इसके अंदर जेरंड कौन सा है हमें आसानी से पता चल सकता है कि ये वर्ब को जेरंड बना दिया और जेरंड जो है वो नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो गया है एज ए सब्जेक्ट। तो इस आगे जाके हम ये देखते हैं कि क्या जेरंड जो है वो सब्जेक्ट के तौर पर ही इस्तेमाल हो सकता है या ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। तो इसका जवाब है हाँ, यानी कि ये जेरंड है जिस तरह हमने सब्जेक्ट लिखा है यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। जिस तरह ये सेंटेंस के शुरू में आया है इसी तरह ये सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकता है, यानी कि एज ए ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल हो सकता है। कैसे, अगर मैं एक सेंटेंस लिखूँ कि आई इन्जॉय रीडिंग बुक्स, मैं किताबें पढ़ना पसंद करता हूँ, तो इस सेंटेंस के अंदर ये जो जेरंड है हमें फौरन पता चल जाता है कि ये जेरंड है। जेरंड जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है सेंटेंस के लास्ट में, इधर जो जेरंड था वो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ था सेंटेंस के शुरू में, यहाँ पर जो जेरंड है वो सेंटेंस के लास्ट में इस्तेमाल हुआ है एज ए ऑब्जेक्ट। तो हमें पता चल रहा है कि जो जेरंड है वो सब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है, सेंटेंस के शुरू में भी आ सकता है, सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकता है, लेकिन आपको पहचान होनी चाहिए। तो इसी तरह अगर मैं एक और सेंटेंस लिखूँ कि आई लव प्लेइंग मुझे खेलना पसंद है, तो इसके अंदर जो है हम देख सकते हैं कि हमें जो है वो जेरंड लास्ट के ऊपर आया है। इससे भी हमें पता चल गया कि जेरंड जो है लास्ट के ऊपर भी इस्तेमाल होता है एज ए ऑब्जेक्ट। इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर जो जेरंड है वो ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, ये ऊपर वाले जो तीन सेंटेंसेस हैं उनके ऊपर उनके अंदर जो जेरंड है वो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है शुरू के अंदर। तो अभी एक और आगे लिख सकते हैं कि you look like a shining star, तुम दिखाई देते हो उभरते हुए सितारे की तरह, चमकते हुए सितारे की तरह, किसी इंटेलिजेंट लड़के को या तारीफ के तौर पर ये सेंटेंस इस्तेमाल हो सकता है, you look like a shining star। तो इन तीन सेंटेंसेस के अंदर जो है वो जेरंड ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, और जो ऊपर वाले तीन सेंटेंसेस हैं उनके अंदर जेरंड जो है वो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं कि लास्ट के ऊपर इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं जेरंड की। डेफिनेशन मैंने शुरू में इस वजह से नहीं लिखी ताकि हमें अच्छी तरह समझ आ जाए और बाद में हम उसकी डेफिनेशन कर लेते हैं, इस वजह से मैंने डेफिनेशन को एंड के ऊपर लिखा। तो डेफिनेशन इसकी है कि अ जेरंड इज फॉर्म्ड
बाय एडिंग आईएनजी टू अ वर्ब, यानी कि जेरन जो है वो वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा करने से बनता है। इट फंक्शंस एज अ नाउन, इसका जो फंक्शन होता है वो नाउन की तरह ही होता है, जैसे सब्जेक्ट जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो ये जो जेरंड है ये हम जेरंड को नाउन के तौर पर ले सकते हैं, तो इसी वजह से ये सब्जेक्ट के अंदर नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। उम्मीद है कि आपको जेरंड के बारे में आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो गया होगा। अस्सलाम वालेकुम।